रहमान रहीम। अमीरुल मोमिनीन के मुंतखब खुतबात और अहकाम का सिलसिला कलाम आपके खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें आसमान और ज़मीन की खिलकत की इब्तिदा और खिलकत आदम के तस्करे के साथ हज बैतुल्ला की अजमत का भी जिक्र किया गया है। ये खुतबा हम्द व सनाए परवरदिगार, खिलकत आलम, तख्लीक मलाइका, इंतखाब अंबिया, बासत सरकार दो आलम, अजमत कुरान और मुख्तलिफ अहकाम शरिया पर मुश्तमिल। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसकी मिदहत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं और इसकी नेमतों को गिनने वाले शुमार नहीं कर सकते, इसके हक को कोशिश करने वाले भी अदा नहीं कर सकते, न हिम्मतों की बुलंदियाँ इसका इदराक कर सकती हैं और न ज़हानतों की गहराइयाँ इसकी तह तक जा सकती हैं। इसकी सिफत ज़ात के लिए ना कोई मुईन हद है, ना तो तौसीफी कलमात, न मुकर्रर वक्त है और न आखिरी मुद्दत। उसने तमाम मखलूकात को सिर्फ अपनी कुदरत कामला से पैदा किया है और फिर अपनी रहमती से हवाएं चलाई हैं और ज़मीन की हरकत को पहाड़ों की मेखों से संभाल कर रखा है। दीन की इब्तिदा इसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल इसकी तस्दीक है। तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल इखलास अकीदा है और इखलास का कमाल जाहिद पर ज़ात सफात की नफी है कि सिफत का मफहूम खुद ही गवाह है कि वो मौसूफ से अलग कोई शय है और मौसूफ का मफहूम ही ये है कि वो सिफत से कोई ज़ात है। इसके लिए अलग से सिफात का असबात एक शरीक का असबात है और इसका लाजमी नतीजा ज़ात की तादद है और तादद का मकसद इसके लिए अज्जा का अकीदा है और अज्जा का अकीदा सिर्फ जहालत है, मार्फत नहीं है। और जो बेमार्फत हो गया इसने इशारा करना शुरू कर दिया और जिसने इसकी तरफ इशारा किया उसने उसे एक सिमत में महदूद कर दिया और जिसने महदूद कर दिया उसने उसे गिनती का एक शुमार कर लिया जो सरासर खिलाफ तौहीद ज़ात है। जिसने ये सवाल उठाया कि वो किस चीज़ में है उसने उसे किसी के ज़िम्न में करार दे दिया और जिसने ये कहा कि वो किसके ऊपर कायम है उसने नीचे का इलाका खाली करा लिया। उसकी हस्ती हादिस नहीं और उसका वजूद अदम की तारीकियों से नहीं निकला है, वो हर शय के साथ है लेकिन मिलकर नहीं और हर शय से अलग है लेकिन जुदाई की बुनियाद पर नहीं, वो फ़ाइल है लेकिन हरकात व आलात के ज़रिए नहीं और वो इस वक्त भी बसीर था जब देखी जाने वाली मखलूक का पता नहीं था, वो अपनी ज़ात में बिल्कुल अकेला है और वो उसका कोई ऐसा साथी नहीं है जिसको पाकर उनस महसूस करे और खोकर परेशान होने की का एहसास करे।